सब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी ईसाई, वो बच्चे आपस में खेलते हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या धर्म है। ये राजनीतिक पार्टियां धर्म उठा रही हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ये क्या हमारे मतलब देश में लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। कई प्रॉब्लम्स तो इससे रिजॉल्व हो जाएंगे अल्टीमेटली। एक कोड और एक सिविल ये लागू होना चाहिए पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून हो और हिंदुओं के लिए अलग कानून हो, पारसी के लिए अलग कानून हो, सिख के लिए अलग कानून हो। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई सरकार नहीं चाहिए, मैं खुद ही सरकार हूँ। क्या करते ये सरकार, करते क्या है? सब लूट मचा रखी है, धोखा फ्रेम चल कपट, दुनिया भर के बदमाशी हो रही है। पर्सनल लॉ क्या होना चाहिए? वन नेशन वन रूल वन लॉ होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। आज हम बात करेंगे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और लोगों की इस पर राय जानते हैं कि क्या अब वक्त आ चुका है कि भारत में यूसीसी को अप्लाई कर देना चाहिए। हाल ही में अभी बीजेपी के सीएम ने कहा है कि वो बीजेपी की सरकार आने पर वो यूसीसी को अप्लाई करेंगे, तो इस पे क्या लोगों की राय है और लगता है कि वो अपने इस वादे को पूरा कर पाएंगे? तो आइए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनकी राय। सर, यूसीसी पे आपका क्या राय है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? क्या आपको लगता है कि भारत में अप्लाई होना चाहिए? सुनो, हमारे सब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी ईसाई, वो बच्चे आपस में खेलते हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या धर्म है। ये राजनीतिक पार्टियाँ धर्म उठा रही हैं हमारे हिसाब से। आपको लगता है कि अप्लाई होना चाहिए? नहीं, ये खत्म होना चाहिए, मतलब सबको एक जैसा होना चाहिए। नहीं नहीं, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक देश एक रूल होना चाहिए, होना चाहिए? नहीं, एक देश एक रूल नहीं, देश में सबके लिए समान रूल होना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब जैसे मुस्लिम और ईसाई धर्म के अपने पर्सनल लॉ हैं, तो उन सबको पर्सनल लॉ को हटा के पूरा एक समानता करनी चाहिए। पूरे देश में एक ही रूल होना चाहिए, सबके लिए एक रूल होना चाहिए। तो सर, ये मतलब अभी जो बीजेपी ने कहा है, मतलब उत्तराखंड के सीएम ने, बीजेपी है, तो उन्होंने कहा अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये यूसीसी लागू कर देंगे, तो इस पे आपकी क्या राय है कि वो मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी तो होगी लागू? ये सब राजनीतिक स्टंट है, ये वोट लेने के लिए कर रहे हैं, वोट ले लेंगे उसके बाद सब वही चलेगा जैसा चल रहा है। सर, आपका यूसीसी पे क्या मतलब राय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, क्या ये भारत में अब लागू हो जाना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। जब सभी समाजों के बारे में भारतीय संविधान में दिया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी धर्मों का आदर मान सम्मान होना चाहिए, और लोकतंत्र की जो एक लोकतंत्र का जो मंदिर है पार्लियामेंट संसद भवन, उसके अंदर सभी वर्गों के लोग वहाँ बैठते हैं, और एक कोड और एक सिविल ये लागू होना चाहिए पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून हो और हिंदुओं के लिए अलग कानून हो, पारसी के लिए अलग कानून हो, सिख के लिए अलग कानून हो। अगर यूसीसी अगर इंडिया में आ जाता है तो इसका विरोध होगा, क्या आपको लगता है? हर अच्छे काम के पीछे मैम बुराई मिलती है। अभी आप अपने घर में भी कोई अच्छा काम कर रहे होंगे तो चार आदमी बेशक अच्छा कहेंगे, पर उसमें से दो आदमी आपको जरूर कहेंगे कि भाई ये काम ऐसे नहीं, ऐसे। आप शाहीनबाग का मुद्दा ले लीजिए, शाहीनबाग में क्या कहानी थी? सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, एनसीबी आया, नेशनल कंट्रीब्यूशन बिल। तो मैम, हर अच्छे काम के, आप एक बात बताइए, आज तक किस सरकार ने कहा कि मुसलमान का हमारे देश में अधिकार नहीं है? किसी सरकार ने कहा है क्या? इस देश की आज़ादी के लिए हिंदुओं ने भी कुर्बानी दी, मुसलमान ने भी कुर्बानी दी। मैम, सबका हक और सबका अधिकार है, सिर्फ एक मैटर है, सबको एक नागरिक संहिता की धारा में लाकर सबको एक समान एक लॉ के तहत उसको मतलब पूरे वर्ग को लाया जाए। इसी बात को लेके पार्लियामेंट के अंदर आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी और उप प्रधानमंत्री थे आडवाणी जी, तो ये बिल लाया गया था कि समान नागरिक संहिता बिल पास किया जाए। सर, आपका यूसीसी पे क्या कहना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ये क्या हमारे मतलब देश में लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। ये कई प्रॉब्लम्स तो इससे रिजॉल्व हो जाएंगे अल्टीमेटली। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये कहना है कि यूसीसी होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे जिनके पर्सनल लॉ हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा?
तो पर्सनल लॉ क्या होना चाहिए? वन नेशन वन रूल वन लॉ होना चाहिए। तो सर आप यूसीसी के बारे में जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड? जी मैम थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को कि अकॉर्डिंग टू यूसीसी आई थिंक ये एक समानता फैलाने के लिए किया जा रहा है कि पूरे हमारे इंडिया में जो कि हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे मुस्लिम हैं और सिख ईसाई भाई हैं, सबको एक समानता का अधिकार मिले और सब एक ही तरीके से रह पाएँ। जैसे बीजेपी बोल रही है कि अगर हम हमारी सरकार आई तो हम यूसीसी लाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी ये वादे पूरे कर पाएगी? हाँ 100% कर पाएंगे मोदी जी, इसलिए कर पाएंगे क्योंकि अभी तक जितनी 70 साल से अब हमारी देश आज़ाद हो गया अभी तक एक नहीं है, एक देश में एक कानून है ही नहीं। कानून क्या चीज़ है? एक चीज़ है ही नहीं। आपके लिए और कानून, तब तो हम बोलेंगे ना, मुसलमान बोलेंगे मेरा कोट ही डिफरेंट कर दो, वो तो सिंपल बोलेंगे मेरा कोट डिफरेंट कर दो। हिंदू बोलेंगे हमारा कोट डिफरेंट कर दो। तो फिर क्या है कानून? संविधान क्या है? जब वो संविधान इलेक्शन में भी फाइट करेंगे लड़ेंगे और कोर्ट को कानून को भी नहीं मानेंगे, तब तो ये जैसी हमारी संविधान है जैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका है। हमारी सबसे ज़्यादा न्यायपालिका ही कमज़ोर है। जिस तरह आज तक हमारे न्यायपालिका में कोई भी चीफ जस्टिस टीएन सेशन की तरह नहीं हुआ है जो अपने बल पे फाइट कर सके। सर आपका यूसीसी पे क्या कहना है, ये अप्लाई होना चाहिए भारत में? मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई सरकार नहीं चाहिए, मैं खुद ही सरकार हूँ। क्या करते ये सरकार, करते क्या है? सब लूट मचा रखी है, धोखा फ्रेम चल कपट, दुनिया भर के बदमाशी हो रही है। ये जनता जो है भूखे मर रही है और ये अपना करोड़ों रुपये ऐश कर रहे हैं। सरकार नहीं चाहिए हमें, मेरे को 24 घंटे का दे दो राज, मैं इसको जो है पेरिस बना दूंगा। पेरिस बना दोगे आप इंडिया को? कैसे सर, क्या क्या करोगे आप? मेरा फार्मूला है ना। तो सर ये सब आएंगे चले जाएंगे मर जाएंगे, पैसे लूट लेंगे, जनता को बर्बाद कर देंगे। मुझे सरकार नहीं, सरकार के होने चाहिए। हिजाब को लेकर अभी जो यहाँ पे विवाद चल रहे हैं, अगर ऐसे में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो इस पे हिजाब के विवादों पे क्या असर पड़ेगा? ये बंद हो जाएंगी? ये राइट है जी, बिल्कुल बंद हो सकता है। हमारे देश में जब एजुकेशन एक ही तरीके की और ये तो ड्रेस भी एक तरीके की होनी चाहिए। सर यूसीसी अप्लाई होने से ये मतलब जो विवाद चलते हैं धार्मिक, ये बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बंद होगा जी, एक स्कूल होगा एक ड्रेस होगी, तो इस पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा और ये बंद होगा। तो जैसे बीजेपी सरकार कह रही है कि उनकी अगर सरकार बनी तो वो लेकर आएगी यूसीसी को, आपको लगता है कि बीजेपी लेकर आएगी यूसीसी? देखो इसमें कोई भी गवर्नमेंट आए उनको लेके आना चाहिए, ठीक है, ये एक राइट बनता है सभी के लिए। आपको नहीं लगता सर कि अगर ये अप्लाई हो गया यूसीसी तो इसके विरोध होंगे? विरोध तो होंगे ही, विरोध तो हो ही रहे हैं। आज हमारे पीएम का विरोध हो रहा है, ठीक है, यूपी में उनका विरोध हो रहा है, योगी का मोदी का विरोध हो रहा है, विरोध होता है ना। देखो जब एक ताकतवर चीज़ होती है, जब चलती है, हाथी चलता है तो लोग सारे पीछे उल्टा बोलते हैं, ये है ना, तो उसके मुकाबले का कोई लेकर तो आओ, कोई है ही नहीं, ढूंढ लाओ कोई भी, जो है तो लेके आओ उसको, वो है ही नहीं। कौन है, है कोई आप बताओ? नहीं है ना, उनकी ताकत का कोई उस वजूद का मतलब बंदा होना चाहिए, भारी भरकम होना चाहिए, तो देश को हमारे संभाल सके। देश ना मैं चला सकता है ना आप चला सकती हैं, ठीक है, ना मनमोहन सिंह चला सकता है, 10 साल बेकार कर दिया उसने, कर दिए, क्या हुआ ऐसे पीएम का? वो कहते हैं अर्थशास्त्री था जी, अर्थशास्त्री है तो भैया तू पैसे की बात करना है, वित्त की बात कर। अगर देश चलाना है तो बहुत सारे 36 मुद्दे होते हैं, रोजगार भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, नारियों की सुरक्षा चाहिए, यहाँ हर इंसान की सुरक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कौन संभाल सकता है जो सबके बारे में सोचेगा, राइट? तो ये होना चाहिए, विरोध तो करेंगे। तो बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिए। मैं स्नेहा कैमरामैन प्रताप के साथ द न्यूज़ 15।